And the sixth subject, English 2. Semester 2. Revision passage. Now students, let's continue with the passage. Two passages you have already seen. Now we are going to see passage number 3. Okay. In this passage, again we have a poem. Read the poem and answer the questions that follow. The wind. The wind came out to play one day. He swept the clouds out of his way. He blew the leaves and away they flew. The trees bent low and their branches did too. The wind blew the great ship, big ship at sea. The wind blew my kite away from me. Now in this passage, student, in this poem, what we have learned. Now student, in this poem, what we have seen, the poem is about wind. Wind means pavan, hava. So hava ke baare mein kya bola hua hai? Ki hava jo hai wo bahar aa gaya hai ek din khelne ke liye. Means bahut zyada tez hava aa rahi hai. It swept the cloud out of his way. Means cloud ko bhi usne wahan se hata diya. Itni zor se pavan aayi hai. Rainy season mein student kai baar aisa hota hai ki bahut tezi se pavan aati hai aur sab dhool udne lagti hai. Dust and everything. He blew the leaves and away they flew. लीफ मीन्स पत्ती जो होती है, सूखी पत्ती या गीली पत्ती, ग्रीन लीफ, क्या कहा है कि वो उसको भी उड़ा देता है और वो वहां से उड़ के गई और चला जाता है लीफ. ट्रीज बेंट लो एंड या ब्रांचेस डिड टू. ट्रीज में सिर्फ कई बार आपने देखा रेनी सीजन में जब बहुत तेज पवन आती है तो ट्रीज जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, राइट, और उसके ब्रांचेस भी थोड़े से शेप में नहीं होते हैं. द विंड ब्लू द ग्रेट बिग शिप एट सी. अब देखो जब शिप जो है ना, जो सी शोर में, ओशंस में या सी में जो शिप जाता है, बिग शिप, उसको एक्चुअली डायरेक्शन मिलता है विंड के थ्रू से, राइट. अब विंड ने इतनी तेजी से पवन आ रहा था, इतनी तेजी से विंड आ रहा था कि एक बिग शिप जो है उसको भी हिला दिया उसने. द विंड ब्लू माय काइट अवे फ्रॉम मी. अब पोएट ने क्या कहा है कि विंड तो मतलब ये सारी चीजें तो उसने की, बट पोएट का काइट भी उसने उड़ा के लेके गया अपने साथ. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. ओके, व्हाट डिड द विंड डू टू क्लाउड्स. क्लाउड्स के साथ विंड ने क्या कहा किया था, इतनी जल्दी तक विंड पवन आया कि क्लाउड्स को भी वो ब्लो करके स्वेप्ट करके मिस वासे स्वेप्ट मीन स्टूडेंट जो झाड़ू मारते हैं ना हम, कचरा हटा देते हैं उस तरह से उसको हटा दिया. ओके, द विंड स्वेप्ट द क्लाउड्स आउट ऑफ द वे. दिस इज द आंसर. What did the wind do to the leaves? The leaves के साथ विंड ने क्या किया था स्टूडेंट, लीव को भी जो पत्तियां होती है उसको भी वो उड़ा के कहीं और फेंक दिया था. द विंड ब्लू अवे द लीव. What did the tree and branches do? अब ट्री और ब्रांचेज के साथ क्या होता स्टूडेंट, ट्री और ब्रांचेज जो है वो टेढ़े हो गए थे, बेंड हो गए थे, इतनी जोर से तेजी से पवन आई. द ट्रीज एंड ब्रांचेज बेंड लो. What did the wind do to the great big ship? शिप के साथ क्या विंड ने उसको भी उसने अपनी जगह से हटा दिया, इतनी जोर से ब्लो हुआ, मैं किसी तरह से पवन चली. द विंड ब्लू द ग्रेट बिग शिप एट सी. व्हाट डिड द विंड डू टू द काइट. पोएट के काइट के साथ विंड ने क्या किया स्टूडेंट, पोएट काइट फ्लाई कर रहा था और ऑफकोर्स हम काइट कब फ्लाई करते थे, थोड़ा बहुत हम काइट को फ्लाई करते हैं स्टूडेंट जब थोड़ा बहुत पवन आ रहा हो, एट दैट टाइम काइट फ्लाई भी अच्छे से होता है. बट विंड जो है इतने तेजी से आया कि उसने उसका काइट भी उड़ा के लेके गया पोएट का. द विंड ब्लू अवे द काइट. राइट थ्री पैर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. अभी हमें पोएम में से देख के राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है. सी इन दिस पोएम. दे वी फ्लू टू सी मी. ये राइमिंग वर्ड्स है ना स्टूडेंट, मीन्स जिसके जिसको बोलते हैं हम तब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लास्ट का सेम आता है. तो थ्री पैर्स हमें बनाना है राइमिंग वर्ड्स के. दे वी फ्लू टू सी मी. गॉट इट. नाउ लेट्स सी दिस. अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट कैन द विंड डू. राइट द करेक्ट वर्ड. विंड क्या क्या कर सकता है स्टूडेंट, अपने पोएम में देखा तो विंड ने क्या क्या किया है, क्लाउड्स को ब्लो कर दिया है, शिप
शिप को ब्लॉक किया हुआ है, लीव्स लीव अवे हो गए हैं, काइट जो है वो भी उस पोएट का काइट भी उड़ के कहीं चला गया है। तो हमें यहाँ पर एट क्वेश्चन दी है, वी हैव टू सी कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। ब्लो अवे द क्लाउड्स, राइट, यस, विंड ने क्लाउड्स को ब्लो कर दिया था। ब्लो अवे द स्टार्स, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट स्टूडेंट, स्टार को ब्लो करना तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर ये पोएम में नहीं है। हमें सिर्फ उसी को चेक करना है जो पोएम में है। ब्लो अवे द लीव्स, यस, लीव को भी तो लीव भी फ्लू होके उड़ के कहीं और चला गया था, सो इट्स राइट। ब्लो अवे द ट्री, रॉन्ग स्टूडेंट, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ब्लो अवे नहीं किया था, ट्रीज एंड ब्रांचेस को बेंड कर दिया था। ब्लो करना नहीं, ब्लो करना मीन्स क्या होता है कि फूक मारना, उड़ाना, इतनी जोर से फूक मारना कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे निकल जाए। पर ट्रीज एंड ब्रांचेस का क्या होता है कि वो तो टेढ़े हो गए थे, बेंड हुए थे, वो अपनी जगह से हिले नहीं थे, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं था पोयम में। ब्लो अवे शिप एट सी, यस राइट, शिप को भी ब्लो कर दिया था। ब्लो अवे चिल्ड्रन, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था पोयम में। ब्लो अवे द काइट, यस ट्रू, पोएट की काइट को भी ब्लो किया था। ब्लो अवे हाउसेस, नो, दिस वॉज नॉट देयर इन पोएम। CW1 टाइम, SW2 टाइम, योर नोटबुक, थैंक यू।